रुला दिया माही की मासूमियत ने, शर्म करो वनराजशाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज तक सुना था कि कुछ लोग होते हैं जो बच्चों के लिए बेरहम होते हैं। ये वो लोग आते थे हमारे दिमाग में जो बच्चों को भिखारी बनाते हैं, जो बच्चों से गलत काम करवाते हैं। मगर आज ना तो बच्चों से गलत काम करवा रहा है वनराज शाह, ना ही उनको भिखारी बना रहा है। मगर फिर भी वनराज शाह के लिए यही बात निकलती है कि शर्म करो। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बचपन जो होता है ना, बड़ी ही अनमोल चीज होती है, और ये अनमोल चीज जो भी बच्चों से छीनता है उसका हश्र बहुत बुरा होता है। आज जो वनराज शाह माही के लिए कर रहा है वो सच में शर्मनाक है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने बच्चों को भी पाला है, चाहे परवरिश कैसी भी दी हो, मगर उनके बचपन को उसने देखा है। अपने पोते अंश के बचपन को देख रहा है, परी को देखा है, मगर आज माही के लिए उसके दिल में बचपन वाला प्यार नहीं है, बच्चे वाली फीलिंग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बा ने बहुत सही कहा यहां पे कि माही जो है तेरी बेटी नहीं है। बहुत कुछ कहा बा ने भी आज वनराज को, बच्चा तो है ना। बापूजी ने भी कहा कि ऐसा तू क्यों कर रहा है। यहां पे ये बात वनराज शाह बार बार कह रहा है कि मैं उसको अपना बच्चा नहीं मानता हूं। नहीं मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सड़क चलता बच्चा भी आपको अगर प्यार से पापा कह देता है ना, तो आप एक बार उस बच्चे को देखते हो, प्यार से पुचकारते हो, सोचते हो कि ये बच्चा अपने पापा को मिस कर रहा होगा, इसलिए इसने मुझे पापा कह दिया। फिर आप बच्चे को समझाते हो कि बेटा मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। मगर यहां पे वनराज शाह क्या कर रहा है, किस तरह पत्थर की मूर्ति बन के सामने बैठा हुआ है। कैसे इतना दिल निकाल लेते हैं ये लोग कि बच्चा सामने कह रहा है कि पापा मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मगर मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, इतना सारा प्यार करती हूं। कैसे एक इंसान उठ के जा सकता है भाई? मतलब जो बापूजी ने कहा कि तू पत्थर हो गया तो पत्थर ही हो गया है। ऐसे बच्चे के सामने तो मैं तो कहूंगी कि पत्थर भी रो देते हैं, क्योंकि बच्चों का दिल बहुत साफ होता है, और वही स्टेज माही की है। आप सोच के देखो, इतनी छोटी सी बच्ची को हॉस्टल में डाला हुआ है। काव्य की तो मैं हमेशा इस बात को लेके उसको कोसूंगी, कोसा है मैंने वीडियो में भी, मगर आज वनराज को ही बोलूंगी, क्योंकि ये शर्मनाक हरकत है वनराज की। घर के बच्चे हैं, काव्या उसकी पत्नी है। बापूजी ने कहा भी कि तेरे बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा करे, काव्या के लिए भी वो बच्चे उसके बच्चे थोड़ी है, पाखी और तोशु और जो भी है। तो ये जो वनराज ने किया है बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ये कौन सी एग्जाम्पल वनराज शाह सेट कर रहा है? क्योंकि जब तक हम समझते हैं वनराज शाह की बातें कि चलो अनुपमा से शिकायतें हैं, एक बराबर की टक्कर है, पति पत्नी थे अब नहीं है, एक ऐसी जलसे की भावना समझ में आती, मगर बच्चों से क्या लड़ाई है वनराज शाह की? लड़ाई है तो काव्या से कर ना लड़ाई। काव्या को निकाल बाहर, तेरी सामने बच्ची को बार बार लेके, हिम्मत कर, निकाल दे बाहर, बोल काव्या को लेके जा अपनी बच्ची को यहां से। अगर काव्या हिम्मत नहीं करे तुम करो भाई, कुछ तो बच्चे के लिए करो, ये बच्चे के लिए बेटर होगा। काव्या को निकालो बाहर, मगर बच्चे को आप इस तरह से ट्रीट करते हो, उसके ऊपर जुल्म करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कोई ऐसा अच्छा लेसन नहीं है। तो मेरा ये कहना था, मुझे सच में दुख हुआ उस बच्ची का दर्द देख के। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि आगे भी कुछ ऐसा ही मंजर हमें देखने को मिलेगा। क्या कहना आपका इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.